अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के हवाले से पहला लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 3 का रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया साल्वे प्रोसेस। जिस तरह से हम सोडियम की प्रिपरेशन की थी बाय डाउन्स प्रोसेस, ये भी बड़े कॉमन क्वेश्चन अराइज करते हैं एंट्री में कि सोडियम कार्बोनेट किस प्रोसेस से बनाते हैं या सोडियम मेटल किस प्रोसेस से बनाते हैं। तो प्रोसेस के नेम याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हम प्रिपेयर करते हैं बाय अमोनिया साल्वे प्रोसेस। याद रहे बेटा, कुछ कॉमन नेम्स बेटा इसके बड़े फेमस होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जैसा कि है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सोडा ऐश बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश बोलते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो तो इसको बेटा हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो बेटा याद रहे इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये तमाम चीज़ें इसी ही प्रोसेस से बनाते हैं, पर अगर अमोनिया साल्वे प्रोसेस से एक टर्म जनरली यूज़ किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हम यूज़ करते हैं सोडा ऐश बनाने के लिए। सोडा ऐश से ही हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, और इसी ही प्रोसेस में ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले रॉ मटेरियल, याद रहे बेटा, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी होता है कि कौन से मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं। तो रॉ मटेरियल, पहला हमें वाटर चाहिए होगा बेटा, अमोनिया गैस, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स में हमें आसानी से मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है खान में, यानी कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल इन पाकिस्तान। और अमोनिया गैस हमें चाहिए होगी, और इस प्रोसेस में वाटर। स्टेप्स कितने दरकार होते हैं इस प्रोसेस के लिए? 3 स्टेप्स दरकार होते हैं। स्टेप्स के नेम याद करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेप्स के नेम आपको बता देता हूँ वन बाय वन। पहला स्टेप जो है बेटा, जिसको हम अमोनेशन ऑफ ब्राइन बोलते हैं। एक्चुअली बेटा, ब्राइन जब भी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं तो याद रहे बेटा, ब्राइन का मतलब क्या होता है? नमक वाला पानी। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, जो हम पानी में डिजोल्व करते हैं, इसको इंडस्ट्री टर्म में हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये ब्राइन सॉल्यूशन कितना चाहिए होता है इस प्रोसेस में? 28% चाहिए होता है बाय मास, यानी कि 28 ग्राम सोडियम क्लोराइड और बाकी पानी इसके अंदर मिक्स करते हैं मैक 200, तो ये कहलाता है 28% बाय वेट। पहले जो स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन जो बनता है, वो ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो अमोनिया टावर की तरफ जाता है, और वो टावर जो है वो मशरूब जो खुम्बियाँ होती हैं उसकी कंसिस्ट इस तरह से बनी होती हैं, और इसमें बैफिल प्लेट्स लगी होती हैं। बैफिल प्लेट्स जो है बेटा, कुछ इस तरह की प्लेट्स हुआ करती हैं, जिस तरह से हम ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूँ, ये है बैफिल प्लेट्स, इसको बोलते हैं बैफिल प्लेट्स। इस बैफिल प्लेट से क्या होता है कि यहाँ से सॉल्यूशन आता है बेटा, ऊपर से सॉल्यूशन जो नीचे की तरफ डाउन आता है, तो ये आसानी से मिक्स होने में हेल्प करता है। तो याद रहे, ये जो बैफिल प्लेट्स होती हैं वो इन्वर्ट्स लगी होती हैं, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्राइन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन द ग्रुप डाउन द जो है कंटेनर की तरफ ये सॉल्यूशन मिक्स होने में हेल्प करता है। दूसरा जो है, जो स्टेप है, उस स्टेप का नाम है कार्बोनेशन ऑफ अमोनियम अमोनेटेड ब्राइन। इस स्टेप के अंदर याद रहे बेटा, ब्राइन जो है वो ट्रिकल डाउन, यानी कि स्लो स्लो डाउन के डाउन द ग्रुप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस टावर के साथ मिक्स होता है किस में, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? साल्वेट टावर ही बोलते हैं। यानी अमोनेशन जो ब्राइन होती है कहाँ होती है? साल्वेट टावर में होती है। और वहीं क्या होता है बेटा, जो बैफिल प्लेट फिटेड होती है बेटा, वो मीट करती हैं अपवर्ड करंट, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके बबल्स निकलते हैं। इस तरह से एक केमिकल इंजीनियर इंश्योर करता है कि ये रिएक्शन जो है वो सही मायने में हो रहा है। बस मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप का नाम क्या है? अमोनेशन ऑफ ब्राइन। इसमें क्या होता है? इसमें ब्राइन सोल्यूशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो बैफिल प्लेट से टकराते हुए नीचे की तरफ आता है। बैफिल प्लेट्स का काम क्या होता है? इसको कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि एक ही दम जो है वो पूरा का पूरा ब्राइन सोल्यूशन उसके साथ मिक्स हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि स्लो एंड स्लो स्टेप के अंदर इसके अंदर मिक्स होता है। कार्बोनेशन अमोनियम ब्राइन के अंदर क्या होता है, जिसको हम साल्वेट ऑरी बोलते हैं, इसके अंदर भी फिर प्लेट जो है वो फिर अपवर्ड करंट कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन प्रॉपरली हो रहा होता है।
और थर्ड है बेटा हमारा स्टेप जिसको हमने क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो कन्वर्जन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का बनना बाय द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इससे सिर्फ थोड़ी सी हीट करते हैं तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूँ, केमिकल जो रिएक्शन से मैं आपको आगे बताऊँगा, तो ये सिर्फ आपको स्टेप्स याद करने। अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशन के तरफ आते हैं, तो याद रहे बेटा जो केमिकल इक्वेशन दरकार है वन बाय वन जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लाइमस्टोन लेते हैं और लाइमस्टोन जो है उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो जाता है। बहुत आसान इक्वेशन में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर के साथ मिक्स होकर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, सारे एक साथ मिक्स हो गए। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वही फर्स्ट स्टेप, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगा या आयनाइज होगा। यहां पर क्या है प्लस चार्ज और यहां पर क्या है आपकी माइनस चार्ज, यानी सोडियम जो आयनाइज हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, और यहां पर क्या है माइनस और यहां पर क्या है आपका प्लस चार्ज। तो प्लस वाला माइनस के साथ तो क्या बनाएगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। याद रहे ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, यस बेकिंग सोडा, तो ये बेकिंग सोडा तो यहाँ से बन सकता है, पर याद रहे यहाँ से हम बेकिंग सोडा नहीं बनाते हैं। बेकिंग सोडा के लिए क्या ज़रूरी है, हम जो डायरेक्ट बनाते हैं बेकिंग सोडा वो इस तरह से ही बनाते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से ही बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर देते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हम बनाते हैं बड़े पैमाने पर तो इस तरह से बनाते हैं, उस प्रोसेस से नहीं बनाते हैं। ये फिर डायरेक्ट हम प्रोसेस सोडा एश बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बन चुका है उसको हम थोड़ी सी क्या करेंगे बेटा, हीट देंगे। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी डिसोसिएट टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, ये वाली जो हमें प्रोडक्ट मिली सोडियम कार्बोनेट मिला वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके प्रोडक्ट। याद रहे सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिला उस सोडियम कार्बोनेट को अगर आपने पानी में अप्रोप्रिएट पानी में डिजॉल्व किया तो याद रहे 10 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कॉमन नोन एज वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं। सोर्स ऑफ मटीरियल और रिकवरी की बात की जाए तो याद रहे बेटा सोर्स जो है इनके ब्राइन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करके हम ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन करते हैं किससे बेटा, बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मिल जाती है। रिकवरी की बात की जाए तो याद रहे बेटा ये इतना आसान प्रोसेस होता है कि एक मरतबा अगर इस पर आप पैसा यूज़ करें तो फिर आसानी से ये चलता रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया वगैरह है, अमोनिया की रिकवरी करते हैं किससे बेटा, अमोनियम क्लोराइड से ही रिकवरी करते हैं, यानी कि एक मरतबा अमोनिया गैस फिर वही अमोनियम क्लोराइड की मदद से अमोनिया गैस आपको मिलती रहेगी। अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए तो रिकवरी ऑफ अमोनिया फ्रॉम, राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, वो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, यानी कि यही रिवर्स प्रोसेस होता रहता है। तो याद रहे अमोनियम क्लोराइड से ही हमें अमोनिया गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया अमोनियम क्लोराइड से हमें मिलता है। तो ये था हमारे पास रिकवरी एंड रिसोर्सेस। उसके बाद याद रहे बेटा इनकी जो इंपॉर्टेंस ही है या यूजेज हैं उसकी तरफ अगर हम बात करें तो पहला यूज क्या है बेटा, इसका वाटर ग्लास बनाने में हेल्प करता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट यूज टू मेक द वाटर ग्लास। वाटर ग्लास बनाने के लिए क्या रिक्वायर है आपके लिए बेटी, बहुत ही आसान, सोडियम कार्बोनेट सिलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सिलिकेट जिसको हम वाटर ग्लास का नाम देते हैं। आगे 11वें चैप्टर में इंशाल्लाह मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्लासेस तफसीलन बताऊंगा आपको। उसके अलावा वॉशिंग सोडा इज यूज टू वाटर सॉफ्टनर, याद रहे बेटा जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो इसका इस्तेमाल होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज मेकिंग सोप पेपर डिटर्जेंट एंड केमिकल सच एज कॉस्टिक सोडा, इनमें भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड बेकिंग पाउडर, जो बेकरी पाउडर कहलाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन पर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एंटी एसिड तौर पर इस्तेमाल इसका किया जाता है, यानी कि जो एसिडिक पेशेंट होते हैं उसमें लाइक इनू वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारे आज की टॉपिक बेटा। देखिएगा अगर कोई सवाल अराइज हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।